नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद की सीआईए स्टाफ पुलिस ने 38 किलोग्राम डोडा पोस्ट की एक खेप बरामद की है। आपको बता दें कि फतेहाबाद के ब्राह्मणवाला गांव में ले जाए जा रही थी 38 किलोग्राम डोडा पोस्ट की खेप, जो इस समय पुलिस ने बरामद कर ली है। गांव हिजरावा कला के पास में हुई थी ये बरामद। जाँच अधिकारी बोले, स्विफ्ट कार से ले जाई जा रही थी ये खेप। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 2 प्लास्टिक बैग नशे से भरे थे। सिरसा जिला के डिंग से लाई जा रही थी ये नशे की चीज़ें। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार का ड्राइवर उस समय फरार है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और रिमांड के बाद में पता चल पाएगा कि इसके अन्य सहयोगी कौन कौन है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज सी आई स्टाफ की टीम जो जोगिंदर सिंह इंस्पेक्टर के रहनुमाई में एएसआई के सुमेर सिंह के नेतृत्व में गश्त करती हुई और पड़ताल दौरान करती हुई इंजराव कला से हरिपुरा की ओर जा रही थी, तो सामने से एक डिजायर कार आती दिखाई दी, जो पुलिस पार्टी को देखकर वापस मोड़ने लगा, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वो गाड़ी रुकी, जिसमें से एक तरसेम नाम का व्यक्ति जो पूछताछ पर इंद्रजीत ने बताया वो भाग गया, और ड्राइवर सीट पर जो इंद्रजीत वासी रत्ता खेड़ा था उसको काबू किया। जब उसकी तलाशी ली तो 2 कट्टों में कचरा डोडा पोस्ट जो वजन करने पर 38 किलो दोनों में हुआ। तो डीएसपी साहब श्री सुभाष चंद्र मौके पर आए थे और ये डोडा पोस्ट डिंग एरिया से ये लेकर के आए थे और अपने ब्राह्मण वाला गाँव के एरिया में इन्होंने नशे वालों को जो आजकल चल रहा है सीजन गेहूं का और का, उनके हिसाब से इन्होंने सप्लाई करना था। इसका कोई रिमांड लिया जाएगा सर? हाँ, इसका रिमांड लेकर के जिसे लाए हैं उससे और उसके साथी को भी गिरफ्तारी के संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरे जो इसमें विवेक जो वो रहे नेटवर्क में जुड़े हुए उनको बेकनाफ करने की कोशिश की जाएगी सर। इससे और को रिलेटेड इलेक्शन संबंधित कोई रिलेटेड पॉइंट सर? इलेक्शन से संबंधित तो इसमें ऐसी कोई अब तक बात नहीं आई, लेकिन ये नशे का कारोबार है जो आजकल गेहूं के सीजन की टाई चल रही है, तो उसके हिसाब से मजदूरों को उन्हें सप्लाई करनी थी। ठीक है।